नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर गोहरी की लगाई गई होलिका, वहीं होली 7 मार्च को मनाई जाएगी। हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में न्याय न मिलने के विरोध में दखल संगठन ने किया प्रदर्शन। पड़ाव रामनगर रोड चौरहट में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में केटीवी के प्रबंध निदेशक ने शिरकत कर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। और यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर गोहरी की होलिका लगाई गई। वाराणसी में होली पर्व आते ही जगह जगह होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। इसको देखते हुए शहर भर में इस वर्ष अलग होलिका का नजारा देखने को मिल रहा है। प्रदूषण को देखते हुए आयोजकों ने गोहरी के प्रयोग का निर्णय लिया है। गोहरी से ही होलिका सजाकर होलिका माता की आकर्षक प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। सुबह से ही होलिका स्थल पर देखने वालों की भीड़ लगी रही, लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि इससे प्रदूषण तो घटेगा ही, साथ ही लोगों को भी लाभ होगा। वहीं होली पर्व किस दिन मनाया जाए, इस बात को लेकर लोगों में काफी द्वंद्व है। जहां एक ओर तमाम ज्योतिषाचार्य काशी में होली 7 मार्च को मनाए जाने की बात कह रहे हैं, हट जा। गुरुजी अपना परिचय बता दें। महेंद्र गिरी महाराज, जूना अखाड़ा। गुरुजी, क्षेत्रगंज वार्ड में आप लोगों ने इस प्रकार का जो होलिका लगाया है, जैसे इस बार गोहरी का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, माता होलिका का जो इतना बड़ा मूर्ति लगा हुआ है, क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम? ये वाराणसी ही नहीं, पूरे देश के लिए काशी से एक अच्छा संदेश है कि गाय के गोहरी, गोबर से बने गोहरी पर और होलिका का चित्र लगाकर, प्रहलाद का चित्र लगाकर उसमें अच्छे हवन सामग्री छोड़ा जाए, यही अपील हम लोग हर होलिका वालों से कर रहे हैं। खासकर चेतगंज में लगभग सभी जगह ऐसे ही लगा है। इसका वातावरण में जब धुआं फैलेगा तो अच्छा फैलेगा, किसी को क्षति नहीं पहुँचेगी। जो पेड़ पौधा काट के लोग घास देते थे, ये सब परम्पराएँ काशी में समाप्त हो रही हैं। अच्छी परम्पराएँ होलिका के द्वारा शुरू हो रही हैं, जिससे पूरे वातावरण काशी का बहुत ही सुखमय होगा, आनंदमय होगा। सुंदर नजारा है जो गोहरे पर माँ विराजमान है। एक ही जगह ना, चेतगंज में कई जगह ऐसा लगा है, जलेश्वर महादेव के पास भी ऐसे ही लग रहा है, तमाम जगह। और हम लोग नागरिक सुरक्षा के तहत भी अपील कर रहे हैं कि ऐसे ही लोग करें, ताकि तार को, बिजली की खम्भे को, अन्य दुकानदारों को, किसी को कोई तरह का परेशानी न हो, कोई घटना न घटे। और इस कार्यक्रम से वातावरण में सुगंध फैलेगा, वातावरण बढ़िया होगा, प्रदूषण की कमी होगी, यही हम लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं। खासकर काशी में मैं आपके माध्यम से एक अपील और करूंगा कि रंग के दिन जितना कम से कम रंग का प्रयोग करें लोग, वो अच्छा है। अबीर, अच्छे गुलाल, बाबा रामदेव के भी गुलाल आए हुए हैं, तमाम गुलाल हैं, उसका प्रयोग करके होलिका को खूब अच्छे ढंग से मनावें। और अच्छा संदेश काशी के द्वारा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जो काफ़ी विकास कर रहा है, एक अच्छा संदेश पूरे देश
में जाए कि होलिका का रूप बदला गया है और सारे जगह इसी तरह के लोग आगे चल के प्रयास करेंगे तो चालू हो जाएंगे। केवल गौरी पर बड़े बड़े गौरे लगाकर और हवन सामग्री के साथ तमाम अच्छी चीज़ उसमें छोड़ा जाए जिससे वातावरण सुगंधित हो, आनंदमय हो। ये हमारा संदेश और होलिका की सभी काशीवासियों को बहुत खुश सुखमय आनंदमय हो। अब काशी के विद्वान भी होली की तिथि को लेकर एकमत होते नहीं दिख रहे हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 6 मार्च को होगा। इस बार भद्रा निशीत काल के बाद समाप्त हो रही है, इसलिए भद्रा में ही प्रदोष काल के बाद होलिका दहन करना शास्त्रानुसार उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में होलिका 6 मार्च को जलाई जाएगी और इसके एक दिन पश्चात होलिका पर्व 7 मार्च को होगा। को लेकर लोगों में भ्रांतियां पाल रही है, कुछ लोग 7 को कर रहे हैं और कुछ लोग 8 को कर रहे हैं, तो क्या है इसका, लोगों को क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोई भ्रांति नहीं है, ये लोग अपनी बुद्धियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसलिए भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। होता क्या है कि ये होली का जो पर्व है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका जलाने के साथ ही आरंभ होता है और यह निश्चित है, धर्मशास्त्रीय विधान भी है, प्रयोग में भी होता है, व्यवहार में भी होता है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब प्रदोष काल, प्रदोष काल कहते हैं सूर्यास्त के बाद के 1 घंटे के टाइम को, 1.25 घंटे के टाइम को, तो जब प्रदोष काल में पूर्णिमा लगती है उसी दिन रात्रि में हमें होलिका जलानी चाहिए, यह नियम है धर्मशास्त्र का। तो अब इस साल की स्थिति देखिए, इस साल 6 तारीख के लगभग 4 बजे के आसपास पूर्णिमा का आरंभ हो जा रहा है और यह जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख के शाम के 5:30 बजे के लगभग समाप्त हो जा रही है। तो किस रात्रि में मिली हमको पूर्णिमा? पूर्णिमा 6 तारीख की ही रात्रि में मिली। प्रदोष काल में किस दिन मिली? तो 6 तारीख के ही प्रदोष में मिली। तो इसलिए होलिका जलाई जाएगी तो 6 तारीख के ही रात में। क्यों? क्योंकि अगले दिन सूर्यास्त में नहीं मिल रही है, 7 तारीख के सूर्यास्त में नहीं मिल रही है और होलिका कभी दिन में जलाई नहीं जाती, होलिका रात्रि में ही जलाई जाती है और रात्रि में पूर्णिमा, प्रदोष काल में पूर्णिमा 6 तारीख के रात्रि में ही मिल रही है। इसलिए धर्मशास्त्र का कोई इसमें संशय नहीं है कि होलिका 6 को जलाई जाए कि 7 को, यह निर्विवाद है। होली 7 को खेलें या 8 को खेलें इसको भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यह स्पष्ट है होलिका पूरे देश में 6 तारीख की रात में ही जलाई जाएगी। इसके साथ एक और भी एक विधान होता है कि जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है उसके साथ ही भद्रा भी आरंभ हो जाती है, तो भद्रा में भी होलिका नहीं जलाना है तो फिर हम क्या करेंगे? तो भद्रा का एक पुक्ष भाग होता है तो लगभग यह 12:23 से लेकर रात के 1:30 बजे तक भद्रा का पुक्ष भाग है, तो पूरे देश में कहीं कहीं स्थानीय अंतर से 2-4-5 मिनट आगे और पीछे होगा ये, नहीं तो 12:23 से लेकर के और 1:35 के बीच ही होलिका जलाई जाएगी, जो 6 और 7 के बीच वाली रात है, यानी कि 7 का लेंगे तो 12:23 AM टू 1:35 PM तक और अगर हिंदी से लेंगे तो 6 तारीख की रात में। इसके बाद से होली की बात है तो होली पूर्णिमा जो है वो 7 तारीख के शाम के लगभग 5:30 बजे तक हो रही है और होली कब मनाई जाती है? तो जब सूर्योदय काल में प्रतिपदा प्राप्त हो, तो सूर्योदय काल में प्रतिपदा कब प्राप्त हो रही है? 8 तारीख को। तो इसलिए पूरे देश में होली तो 8 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए और मनाई जाती है और मनाई भी जाएगी। अब रही बनारस की बात, बनारस में हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में न्याय न मिलने के विरोध में दखल संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया। हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए जघन्य गैंगरेप और हत्याकांड मामले में वर्षों बीत जाने के बावजूद न्याय न मिलने पर आक्रोश जताते हुए दखल संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मामले में न्याय के लिए मार्च निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले नारीवादी संगठन दखल ने 2020 में हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए इस दुखद और निर्मम कांड के खिलाफ पहल ली है। कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पर महिलाएं, छात्राएं और बनारस के नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर लोगों के बीच में बात रखते हुए डॉ. इंदु पांडे ने कहा कि इसी मामले में गुरुवार को SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लवकुश, रामू और रवि नाम के आरोपित को बरी कर दिया है। कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 304 और SC/ST एक्ट में दोषी पाया है। हाथरस का पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार ने असहमति जताई है। पीड़ित परिवार के साथ उच्च न्यायालय के आगे लड़ाई हम एकजुटता प्रदर्शित करते हुए लड़ेंगे। इस दौरान नीति नंदलाल मास्टर, महेंद्र, शालिनी इत्यादि लोग शामिल रहे।
दीदी किस तरह से आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या हम लोगों ने हाथरस का जो न्याय अभी आया है न्यायपालिका की तरफ से कि जो आरोपी थे उनको अपराधी नहीं मान के उनको छोड़ दिया गया है, तो उस हाथरस की पीड़िता के न्याय के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने ज्ञापन को दें यहाँ के प्रशासन को और जो राज्यपाल तक जाए। जिस तरह से बीजेपी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देती है और सम्मान महिलाओं को देती है, क्या लगता है कि ये जो हाथरस का कांड हो रहा है या महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या किसी पार्टी और किसी को तो नहीं हम ध्यान देंगे, लेकिन हाँ जितना हम लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि बेटियों को बहुत हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं या हर क्षेत्र में बेटियाँ हैं, इस क्षेत्र में क्यों नहीं कमी आ रही है, क्यों नहीं महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएँ या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं खत्म हो रही हैं, आए दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, तो इस पे भी उठाने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि अगर हम संविधान को पे थोड़ा भी उम्मीद रखते हैं तो हम सब लोगों को न्याय चाहिए और किसी पार्टी और किसी से हमको कोई लेना देना नहीं। धरखर संस्था ऐसी है जो महिलाओं के उत्पीड़न की बात करती है, उनकी लड़ाई लड़ती है, तो ये हाथरस की जो महिला है जिसका न्याय नहीं मिला उसके आप लोग किस तरह से करा रही है? हाथरस का ही घटना जो है, इसके घटना के अलावा पहले हम लोग देख रहे थे बिल्किस बानो का भी था कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी घटना हो रही है तो बलात्कार तय हो जा रहा है कि बलात्कार हुआ और उसके बाद ये कह रहे हैं, जैसे अभी वाले हाथरस में देखिए सामूहिक बलात्कार कह के आप आरोपी एक को कह रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो बलात्कार अगर गैंगरेप हुआ है तो गैंगरेप में तो गैंग होती है तो और आरोपी कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपका संगठन जो है किस तरह से उस हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हमारा पूरा संगठन एकजुट हो रहा है कि अगर ये आरोपी नहीं है तो आरोपी कहाँ है और सही रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही है, पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए और अगर नहीं होगा तो हम लोग और भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे और न्याय के लिए हमेशा अपनी मांग आवाज उठाना पहले करेंगे। पड़ाव रामनगर रोड चौरहट में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम के निकट रामनगर रोड चौरहट में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू रहे, जिनका स्वागत माल्यार्पण कर व अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष सद्दाम, मीडिया प्रभारी फरहान अहमद, रितेश श्रीवास्तव, अंशु, अनुपम राय, प्रदीप सोनकर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और स्वागत और अभिनंदन किया। आज सभी दर्शकों से निवेदन है कि तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। हमारे धन्यवाद संचालक महोदय, उन्होंने अपना मंत्र को लिखा बोलने के लिए खिलाड़ियों को, सबसे तो मैं पहले यहाँ सभी दर्शकों को खिलाड़ियों को बोलने की शुभकामना देता हूँ। रंगों का त्यौहार है, इसी तरह क्रिकेट मैदान में ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, ये खिलाड़ी इन्हीं रंगों में से एक खिलाड़ी हैं जो कि खींच जाने जाते हैं। और सबसे पहल में चौरंगा क्रिकेट स्टेडियम के 2023 ट्रैफिक में ट्रैफिक के समन भाई जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र जो फटे भाई फरहान भाई और जो भी लोग हमारे साथ हमारे भाई लोग आए हुए हैं, मैं सबकी तरफ से ये टूर्नामेंट फरहान भाई करवा रहे हैं, अध्यक्ष हैं, मैं उनको फरहान भाई को मंदिर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मुझ को बुला के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि खिलाड़ी हूँ, मैं भी खिलाड़ी हूँ, बास्केटबॉल खिलाड़ी हूँ, मैं जानता हूँ खिलाड़ियों में खिलाड़ से कितना उत्साह होता है और जो भी खिलाड़ी यहाँ से टूर्नामेंट दो टीम खेलती है और एक जीतते हुए खाती है, परंतु कोई भी हारा हुआ खिलाड़ी ये न समझे कि आगे हमारे उसको एक मौका आगे और मिलेगा और मेरी यही दुआ है कि दोनों टीम जीत के आगे बढ़े और ये देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
बोर्ड परीक्षा 2023 परीक्षा महोत्सव के रूप में प्रारंभ तो हुआ है। सकुशल संपन्न समारोह का आयोजन भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में केंद्र व्यवस्थापकों, बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों एवं कक्ष निरीक्षकों का सम्मान कर किया गया। डॉ चारूचंद त्रिपाठी एवं डॉ महेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह यादव अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक मिर्जापुर का विदाई समारोह भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी लेखाधिकारी के साथ डॉ हरेंद्र राय, रामाश्रय सिंह, चंद्रमणि सिंह, प्रतिभा यादव, प्रियंका तिवारी सहित विभिन्न विद्यालय के शिक्षक व प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। आज बोर्ड परीक्षा 2023 सकुशल संपन्न समारोह था। प्रधानाचार्य भारतीय शिक्षा मंदिर इंग्लिशिया लाइन ने जनपद के सभी अधिकारियों, सभी केंद्र व्यवस्थापकों, वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों को एकत्र कर यह संदेश दिया कि जो महोत्सव हमने 2023 परीक्षा का 16 को प्रारंभ किया था, आज हम समापन करने जा रहे हैं। यही आज छात्रों को संदेश है कि आप जीवन में सफल हों, एक सुयोग्य नागरिक बनकर देश में अपना नाम करें। सर, आज किस तरह का ये कार्यक्रम? देखिए, ये जनपद वाराणसी में आज का जो कार्यक्रम है, ये बोर्ड परीक्षा 2023 के समापन के अवसर पर प्रधानाचार्यों द्वारा आहूत की गई है, जिसमें जनपद में सकुशल परीक्षा संपन्न होने के अवसर पर और आगामी जो हमारा होली का त्यौहार, साथ ही एक और अन्य कार्यक्रम में हमारे डीडीआर साहब का रिटायरमेंट था, जिसको समेकित रूप से हम यहाँ पे मनाए। आपको बता दें, जो परीक्षा वर्ष 2023 शुरू हुई, ये आपको अगर स्मरण होगा तो ये यूपी बोर्ड परीक्षा का 100वीं वर्षगांठ, 101वां अवसर है जब परीक्षा ये बोर्ड की हो रही है, जो तब 500 और 600 से शुरू हुई थी और आज 55 लाख 56 लाख तक जा करके हुई। जनपद वाराणसी में जो बोर्ड की परीक्षा हुई, इसमें लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरे, 2500 वॉइस रिकॉर्डर, लगभग 5600 कक्ष निरीक्षक, 139 केंद्र बनाए गए। और आपको बताएं कि इस वर्ष की जो परीक्षा हमारी रही, ये पूर्ण रूप से स्वच्छतापूर्ण, नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई। ये वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ के प्रधानाचार्यों में इस तरह के संपुट कूट कूट के भरे हैं कि यहाँ नकल के प्रति कोई भी कोई दुर्भावना नहीं रखता। तो ये सकुशल परीक्षा संपादन होना एक बड़ी परीक्षा थी, एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी, न केवल वाराणसी के लिए अपितु तो पूरे प्रदेश के लिए भी एक चैलेंज के रूप में लिया गया। और ये आज हर्ष का विषय है, सभी प्रधानाचार्य काफ़ी सुखद स्थिति में है और एक आनंदमय वातावरण में उन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को जो है मिलजुल के मनाया है। ये एक महोत्सव के रूप में लिया गया। आज छात्रों को एक आपको बता दें कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को एक उनको टिप्स दिया था कि प्यारे बच्चों, को एक बार नकल करके अंक प्राप्त कर लेने से जीवन सफल नहीं होता, उसमें आपको हर चरण पे मेहनत की ज़रूरत है। तो जो संघर्ष बच्चों ने उस उनके आदेश निर्देश और मार्गदर्शन से जो शुरू किया, उसमें बच्चों ने पढ़ाई करके परीक्षा दी और उन लोगों का रुझान कोई नकल के प्रति कोई प्रयास नहीं रहा। इसलिए हम बच्चों को भी शुभाशीष देते हैं कि उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत, पढ़ाई से उन्हें अच्छे मार्क प्राप्त होंगे और जो जनपद वाराणसी का रिजल्ट विगत वर्ष था उससे अच्छा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षक समूह शाखाएं, गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी, फोन नंबर 9554995413,
साहिबगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 9549631949 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG टू सीनियर सेकेंडरी 10+2 एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर गंगा स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब मॉडर्न केमिस्ट्री लैब स्पेशल क्लासेस फॉर म्यूजिक प्ले वे मैथड फॉर फास्ट लर्निंग बिग प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल एटसेट्रा परमानेंट बिग स्टेज फॉर कल्चरल एक्टिविटीज बेटर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड टीचर्स सेफ एंड बी श्योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सो ज्वाइन अस टुडे बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल कैंपस प्रहलाद घाट एंड पड़ाव डुमरी वाराणसी मोबाइल 8009181549 एंड 9451938476 एंड 8009181568। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस मैथ एवं कंप्यूटर लैब सुसज्जित लाइब्रेरी वाहन की उत्तम व्यवस्था विभिन्न खेलों की शिक्षा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचायक अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। गिव मी योर चिल्ड्रन वी विल वर्क वेरी हार्ड एंड टर्न देम इनटू रिस्पांसिबल हार्ड वर्किंग एंड ब्राइट सिटीजंस ऑफ इंडिया दैट्स व्हाट इंडिया नीड्स। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में गुलाल उत्सव का आयोजन हुआ। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में गुलाल उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पर्व की खुशियां मनाई। विद्यालय परिसर में होली गीत गूंजते रहे। वहीं इस अवसर पर बच्चों को होली पर्व के महत्व के बारे में बताया गया। विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय ने बताया कि बच्चों को विद्यालय की ओर से हर्बल कलर उपलब्ध कराए गए और सभी ने एक साथ होली की खुशियां मनाई हैं। उन्होंने सभी को होली की बधाई दी। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज विद्यालय में बच्चों ने तिलक लगाकर रंग भरी एकादशी पर हर्बल कलर के साथ यह है थोड़ा थोड़ा बच्चों को दिया गया। त्योहार का महत्व बताने के लिए बच्चों के बीच में कलर लेकर एक एक तिलक लगाकर क्रम वाइज बच्चों को समझा के बताया गया कि त्यौहार का महत्व क्या है, होली या रंगभरी एकादशी क्यों मनाया जाता है और आप कितने शांतिपूर्वक इस होली का आनंद लेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को ये समझाएंगे कि होली कैसे मनानी है और हर्बल के साथ जिससे किसी के आँख पर चेहरे पर कोई दुष्प्रभाव न हो और हम शांतिपूर्वक होली का उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाएं सौहार्द मेंटेन करें। धन्यवाद।
काशी की मुस्लिम महिलाओं ने अबीर गुलाल एवं फूलों संग होली खेली। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को काशी की मुस्लिम महिलाओं ने सुभाष भवन में गुलालों और फूलों की होली खेलकर मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को भेजा। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं की गुलालों वाली होली कार्यक्रम लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित की गई। ढोल की थाप पर फगुआ गीतों की प्रस्तुति हुई। महिलाओं ने सुभाष मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर गुलाल लगाया और प्रधानमंत्री की तस्वीर पर गुलाल लगाकर होली खेली। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आज हम सब हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर के मुस्लिम महिला फाउंडेशन के बैनर तले रंगों की और फूलों की होली खेल रहे हैं और ये पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हम सभी मिल करके एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे काशी की है उसको कायम रखे हुए हैं। अस्सी घाट पर सुबह बनारस मंच पर रंगांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्सी घाट पर सुबह बनारस के मंच पर भगवान शिव को रंगांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ, मां गंगा व सभी देवगण को गुलाल अर्पित कर पूरे हर्षोल्लास के साथ रंगांजलि मनाई गई। इस दौरान एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत हुए और लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सभी ने मिठाई और ठंडाई का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में अनूप जायसवाल, मनीष चौरसिया, अनूप गुप्ता, मंगलेश जायसवाल, ओम प्रकाश, जयकिशन गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो हमारी ये पंक्ति हमारे देश के जवानों के लिए समर्पित है। अरे फ्रांस संगीत खेल लेते, जापान संगीत खेल लेते, फ्रांस संगीत खेल लेते, जापान संगीत खेल लेते, अरे मार मार छापर चाइना को संगीत खेल लेते। लोक कलाकार कैसे होली गाते हैं, मैं आज दोनों विधाओं को प्रस्तुत किया हूं और पूरे विश्व के लिए मैं काशी भोलेनाथ की तरफ से सबको होली की बधाई देता हूं। जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, होली की बधाई पूरे विश्व के लिए हमारी ओर से और काशी वासियों की ओर से। काशी में मोदी जी को लेकर भी आपने गाना गाया, क्या गाना था? तो आज हम सब काशी के इस अस्सी घाट पर सुबह बनारस के मंच पर होली का शुभारंभ एकादशी से, बाबा के रंगभरी एकादशी से आरंभ होता है और निरंतर होली तक चलता है, तो उसी क्रम में आज 1485 के संस्था के बैनर तले हम सब यहां अंतर्राष्ट्रीय होली का आयोजन किए हैं।
आज पूरे देश में G20 की धूम है। जो G20 का आयोजन भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, आज सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के कटआउट के साथ हमने उनके साथ मिल करके होली मनाई है और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत सबके साथ खड़ा है। जैसे आपने देखा कि आपदा के दिनों में तुर्की पर भी भारत की मदद तुरंत पहुँचती है, तो भारत मानवता के लिए किसी से भेदभाव नहीं करता और मानवता से मिलने का सबसे बड़ा त्यौहार होली है। इस काशी के 80 घाट पर हम सब ने पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होली मनाई। हिंदू राष्ट्र की भी बात की आपने गाने के माध्यम। ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू तो कोई एक तरह से देखा जाए जाति या धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, तो हिंदू राष्ट्र बनना, इसमें हिंदुत्व से किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं है। आपने भारत ने सबको समाहित किया, किसी को नहीं नुकसान पहुंचाया है, इसलिए भारत मानवता का वाहक है और इसकी पूरी दुनिया में जो झंडा लेकर के चलता है इसमें हिंदुत्व तो सबसे आगे हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर गोहरी की लगाई गई होलिका, वहीं होली 7 मार्च को मनाई जाएगी। हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में न्याय न मिलने के विरोध में दखल संगठन ने किया प्रदर्शन। पड़ाव रामनगर रोड चौरहट में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में केटीवी के प्रबंध निदेशक ने शिरकत कर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। और यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।